कांग्रेस के पिछले 3-4-5 बार के घोषणा पत्र आप देख लेना कि कांग्रेस झूठ के और लूट के अलावा कुछ नहीं करती। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा पत्र लाती है, जनता से झूठे वादे करती है। इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं और आप जाकर के देखना, कांग्रेस के पिछले 3-4-5 बार के घोषणा पत्र आप देख लेना कि कांग्रेस झूठ के और लूट के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र को देखना कि उन्होंने उन घोषणा पत्र पर कितना अमल किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा पत्र लाती है, जनता से झूठे वादे करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया, अगर प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया तो इस कांग्रेस ने किया है। और आपको विश्वास होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, आप पिछले घोषणा पत्र निकाल करके देख लीजिए उन्होंने क्या क्या शब्द बाग दिखाए हैं। अरे मैं कहता हूं, ये गरीबी का नारा कांग्रेस ने कब दिया था? अरे ये नारा तो इंदिरा जी ने भी दिया, ये नारा राजीव जी ने भी दिया, अरे बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया गांधी भी जी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने गरीबी हटाने का काम किया है? क्या कभी किसान का साथ दिया है? क्या कभी मजदूर का साथ दिया है? क्या कभी गांव की चिंता की है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2014 के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को देख लीजिए, हमारी विकास की योजनाओं को देख लीजिए, और यही नहीं, सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, घुसपैठिए आते थे, आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहाँ तक नहीं, हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अरे आप बताइए, अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अगर उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, ऐसा कभी आपने देखा है क्या मेरे भाई और बहनों? यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसानों का सम्मान देने का काम किया क्या? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है, और किसानों को सम्मान ही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमारे किसानों के बेटे जो सीमा पर सीने पर गोली खाते थे, अरे उनका सम्मान देने का काम किसने किया? अरे इनके यहाँ तो जब कांग्रेस का राज होता था तो सिर्फ बेल्ट और टोपी उसकी आती थी, हमारे सैनिक भाई का पता भी नहीं चलता था, उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करने का किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे हरियाणा के भाई और बहनों, किसान भाइयों, में आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कभी इन्होंने किसानों की चिंता की क्या? अरे किसानों की चिंता की क्या? किसानों की चिंता नहीं की तो हमारे गांव के लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी गांव में, बिजली की, सड़क की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन्होंने समय पर पहुंचाने का काम नहीं किया। अरे मैं कहना चाहता हूँ,
बुलाओ हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम।